हेलो बच्चों, लास्ट क्लास मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक के कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के आप क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 और 6 किया था उसके अंदर भी हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, क्योंकि बीच में माइनस था, साइड में स्क्वायर था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी माइनस है और साइड में स्क्वायर है, चाहे दोनों तरफ लगा लो, चाहे एक तरफ दूसरी तरफ आपको स्क्वायर बनाना है। जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट इज 1 - 4/9 b² अब इसमें आपने क्या करना है, जैसे हमेशा हर क्वेश्चन में करते हो कि होल स्क्वायर बनाना, उसके बाद फॉर्मूला लगाना। आप इसको होल स्क्वायर कैसे बनाओगे, 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हो और इसको -2/3 × b² मैं डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख रही हूँ अलग अलग स्क्वायर के बजाय, ये इसको पूरे का स्क्वायर करोगे तो ये 4/9 b² यही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो फिर से a² - b² वाला फॉर्मूला लग गया, वही फॉर्मेट बन गया, यानी कि a + b × a - b। तो इसके अंदर a की जगह क्या पुट करोगे, 1 + b यानी कि 2/3 b, 1 - 2/3 b, ये आपका बन गया फॉर्मूला और ये क्वेश्चन पे हमने पुट कर दिया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन देखो जैसे सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये चीज़ है कि आपके पास अब एक जगह पे तो स्क्वायर है, एक जगह पे आपकी पावर 4 है, यानी कि स्क्वायर का भी डबल। तो आप इसमें जब बनाना तो आपने स्क्वायर है क्योंकि फॉर्मूला में आपके पास स्क्वायर है, राइट। तो इस केस में आप क्या करोगे, 9/25 को क्या लिखोगे, 3/5 × b² और यहाँ पे हम किसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसको हम करेंगे c² का स्क्वायर, राइट, क्योंकि c² का स्क्वायर ही तो क्या होगा, 4। तो जब आपने ये चीज़ की तो फिर से आपका बन गया वही a² - b² वाला फॉर्मूला, रीज़न आपने लिखना है, जिसमें a की जगह आप ये लिखोगे, b की जगह ये लिखोगे, यानी कि a 3/5 × b + c², क्योंकि अब यहाँ पे c² का स्क्वायर है, यानी कि ये पूरा का पूरा b बन गया। तो यहाँ पे b की जगह c² लिखोगे, फिर a यानी कि 3/5 b - b यानी कि c², यहाँ पे b² नहीं है, b की जगह, यहाँ हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मूला लिखने के बाद, वेयर a की जगह आप क्या पुट करोगे, 3/5 b और b की जगह पुट करोगे c², क्योंकि c² का स्क्वायर है। अब जब आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे पुट करो। दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस तरीके से यहाँ पे देखो, जैसे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का सिक्स्थ पार्ट, 16x² × y² - 2 1/4। ओके, अब इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन उसको तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और जो स्क्वायर है उसको होल स्क्वायर बनाना है। 16 यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई, इन सब का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर करोगे तो सबके साथ स्क्वायर चला जाएगा। माइनस, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, 2 × 4 = 8, 8 + 1 = 9, 9/4। अब इसका तो होल स्क्वायर कर दिया, इसको फिर से दोबारा से एक बार आप लिख दोगे, 4 × x × y यानी कि सीधा 4xy² माइनस, बीच में माइनस है, इसको किसका स्क्वायर बनाओगे, 3/2 का स्क्वायर। अब फिर से वही फॉर्मूला आपने लिखना है, जहाँ पे फिर वेयर a की जगह क्या लिखोगे, 4xy और b की जगह लिखोगे 3/2, और जब आप इसमें यहाँ पे पुट करोगे तो जब पुट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, a + b यानी कि 4xy + b यानी कि 3/2 × a 4xy - 3/2, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के आपने सारे पार्ट करने हैं, मैंने आपको 3 पार्ट करवा दिए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बारी, अगर आपने ये कंसेप्ट कर लिया तो आप ये भी कर सकते हो, 96² - 4² मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट ही आपको जैसे बताती हूँ, 96² - 4² अब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें a की जगह और b की जगह क्या है, बेसिकली फॉर्मूला आपका ये लगेगा a² - b², ठीक है। फिर से आप फॉर्मूला लिखोगे a² - bcos a² - b² = a + b × a - b, वेयर, अब यहाँ पे a की जगह क्या पुट करोगे, ये वेयर a की वैल्यू और b की वैल्यू, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि क्या पुट करना है तभी आपने लिखना है, वेयर a = 96, यहाँ पे 96 है और b की जगह क्या पुट करोगे, 4 जिसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे
ए यानी कि 96 प्लस बी यानी कि 4 इंटू में 96 यानी ए माइनस बी यानी कि माइनस 4। जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे आएगा आपका 100, यहाँ पे आएगा आपका 92 और यहाँ पे बीच में जो होता है तो मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 92, तो आपका आंसर क्या आ गया 9200। ऐसे सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसमें आपको सबका स्क्वायर दे रखा है यानी कि सबका स्क्वायर 10, जैसे आपको ये फोर्थ पार्ट आप देख, जैसे हम फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 1004 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। अब इसमें आप क्या करेंगे, फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1004, बी की जगह 16। अब से फॉर्मूला बता रही हूँ, सॉल्व आप कर सकते हो, यानी कि ए की जगह ये ए प्लस बी यानी 16 इंटू ए माइनस बी। जब आप इसको सॉल्व करोगे बीच में मल्टीप्लाई है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर समझने वाली बात है, अगर इस क्वेश्चन में स्क्वायर यहाँ पे ना होता तो आपको इसको स्क्वायर किसका से, यहाँ पे खाली 16 होता तो इसका स्क्वायर बनाते 4 का स्क्वायर। पहले आपको स्क्वायर बनाना है और दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के पुट कर सकते हैं। वैसे इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।